मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। एक ओर जहां कांग्रेस और झामुमो लोकसभा की सीटों को लेकर दिल्ली में बातचीत कर रहे हैं, वहीं वामदल माले और राजद ने अपनी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। माले की ओर से कोडरमा सीट को लेकर दावेदारी कर रही है, तो वहीं राजद की ओर से लोकसभा की 4 सीटों पर दावेदारी की गई है। माले के केंद्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कोडरमा में माले के का जनाधार होने के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तो वहीं युवा के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार ने भी 4 सीटों पर दावेदारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया कि जो चुनाव में पैसा इकट्ठा करने के लिए रखे, हम लोग सिर्फ 2 बात कहना चाहेंगे। पहली बात तो ये है, देख रहे हैं कि ये शुरू हो गया है कि माले के विधायकों को तमाम विपक्ष के, सिर्फ माले के नहीं, अब यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री तो इनको जेल में डाल दो, माले के दलित विधायक हैं। उम्मीद तो है बिल्कुल, अब लगता है कि अभी फाइनल बात होनी है, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस और जेएमएम से भी हमको बात हुई है, मुझे लगता है कि यहाँ तो लगातार 2009 में 2014 में माले का ही दूसरा स्थान रहा है और 2019 में ज़रूर विपक्ष का समर्थन मिल गया था बाबूलाल मरांडी को और इसके चलते हम लोग 20 नंबर पर चले गए थे, लेकिन फिर 2019 के ही अंत में जब विधानसभा का चुनाव आया तो फिर एक बार माले यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसलिए हमें लगता है कि इस तौर पर माले को मिलना चाहिए और इस बार पूरे साथी तैयारी कर रहे हैं और फिर हमें लगता है कि कोडरमा सीट से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कोडरमा नहीं पूरे झारखंड में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र पर हमला किया, पूरे झारखंड पर हमला किया, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, सरकार गिराने की पूरी कोशिश हो रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि जो चुनावी बॉन्ड है इसके बल पर भाजपा चुनाव लड़ती है, तो पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचार से इकट्ठा किया गया पैसा, तो राजनीतिक भ्रष्टाचार के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है इस भ्रष्ट सरकार को, इसमें जनता जरूर उखाड़ फेंकेगी और कोडरमा में जीत विपक्ष की होगी। देखिए आरजेडी अपना मत, चूँकि हम जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी पिछले दिनों, जिसमें हमारे प्रभारी जी जयप्रकाश नारायण यादव जी, राष्ट्रीय महासचिव भोला जी और राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जी उपस्थित थे, उसमें कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम लोग झारखंड में 4 लोकसभा सीट लड़ने के लिए तैयार हैं, जिसमें हमारा पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा, ये 4 सीट पे हमारी दावेदारी थी। हम लोगों ने अपनी दावेदारी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भेज दी है और उसमें उनका निर्णय लेना है कि आप क्या करेंगे और बाकी उस सब जो निर्णय लेंगे, जो बताएंगे वही हम लोग मानेंगे और उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।